युवाओं के साथ यहाँ ज्यादती की गई है उसके खिलाफ हम लोग हैं। सरकार के जो नीति आई है उसके खिलाफ हम लोग हैं और हम लोग उन युवाओं के साथ हैं और हम लोग उनकी लड़ाई में ये दिखाने आए हैं कि हम आपकी लड़ाई में साथ हैं। लोकतंत्र में भाई कोई अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता है तो एक समय में जिनके से उपज हैं जेल में रह के आए हैं जब आपातकाल लगा था तो क्या वो गलत कर रहे थे? आज उन लोग अथी उठा रहे हैं, पेंशन उठा रहे हैं, तो क्या गलत किए थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के द्वारा आज पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकाल धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी। सर, आज आप अनिश्चितकाल धरना पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, जो दो मिसाइल नीति को खत्म किया गया उसके खिलाफ। देखिए, जो युवाओं के साथ यहाँ ज्यादती की गई है उसके खिलाफ हम लोग हैं। सरकार के जो नीति आई है उसके खिलाफ हम लोग हैं और हम लोग उन युवाओं के साथ हैं और हम लोग उनकी लड़ाई में ये दिखाने आए हैं कि हम आपकी लड़ाई में साथ हैं, हमारी जहां ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं और उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से एक ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ाई को जारी रखेंगे, जब तक जारी रखेंगे जब तक ये कानून वापस ना हो। लेकिन जिस तरह से युवा सड़क पर उतरते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाया जाता है, तो क्या लगता है कि सरकार की मंशा है कि दो मिसाइल नीति वापस लेंगे? अगर मंशा होता तो ये नीति आती नहीं, मंशा होता तो लाठी बरसाई नहीं जाती। और आप सोच लीजिए ना, दो इस देश के भविष्य निर्माता हैं जो शिक्षक बनने वाले हैं और गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा इस देश में हमारी सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है गुरुओं को, और उन लोगों पर लाठी बर, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई आताताई नहीं है, कोई गलत तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर अगर लाठी बरसाई जा रही है तो ये सरकार डरी हुई है, एक कल्याणकारी सरकार नहीं है, इसको वेलफेयर स्टेट नहीं कहते हैं। जब इस तरह की बातें होने लगती है तो आप मान लीजिए कि सरकार के खिलाफ कितना रोष है लोगों में, और उस रोष का प्रदर्शन करने पर आप रोकते हैं, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, तानाशाही दर्शाता है, और तानाशाही डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं चलेगा, तानाशाहों को जाना पड़ेगा, यही हम कहने आए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये भी फरमान जारी किया जाता है कि अगर कोई भी ये नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ अगर प्रदर्शन करिएगा तो आप पर कार्रवाई होगा, आपको जेल भी भेजा जाएगा। अब लोकतंत्र में भाई कोई अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता है तो एक समय में जिनके से उपज हैं जेल में रह के आए हैं जब आपातकाल लगा था तो क्या वो गलत कर रहे थे? आज उन लोग अथी उठा रहे हैं, पेंशन उठा रहे हैं, तो क्या गलत किए थे? तो लोकतंत्र में तो विरोध करने का अधिकार है, अभी इस अधिकार को भी छीनिएगा तभी तो हम तानाशाही बोल रहे हैं, तभी तो डिक्टेटरशिप कह रहे हैं, तो तानाशाही डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं चलेगा, एक न एक दिन जनता जवाब देगी। सर, आज आप अभी MLC भी हैं जो सत्र होने वाला है, तो क्या आप उसमें भी आवाज़ उठाइएगा? निश्चित तौर पर, ये आवाज़ हम ही नहीं, जितने भी लोग हम लोग सब साथी हैं, जितने भी सहयोगी दल हैं सब उठाएंगे, आप पुरजोर तरीके से उठाएंगे और सत्र को हम लोग जब तक चलने नहीं देंगे जब तक सरकार झुकेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी 13 तारीख को जो मार्च करने वाली है शिक्षक नियमावली के लिए, आप भी उनके साथ उतरे? हाँ, एकदम साथ हैं, जो भी यहाँ के लोगों के लिए होगा, यहाँ के जो युवाओं बेरोजगारों के लिए होगा, सब चीज़ में हम लोग साथ हैं उनके साथ। सरकार अभी पैदल में आप भी BJP के साथ सड़क उतरिएगा? जी, निश्चित तौर पर हम लोग भी साथ देंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये जो दो-मिसाइल नीति इसलिए लागू खत्म किया गया है कि बाहर के शिक्षा गुणवत्ता छात्र आएंगे और यहाँ पर मैथ और इंग्लिश के सीटें खाली रह जाते हैं, इसलिए ये दो-मिसाइल नीति। अभी तो दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री इस तरह की बातें बोल रहे हैं। वशिष्ठ जी की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, जहाँ पर इतने विद्वान लोग रहे हैं और वहाँ पर के लोगों के बारे में बोल रहे हैं। आज भी आप जितने भी शिक्षण संस्थान हैं देश विदेश में, वहाँ पर आपको बिहारी पढ़ाते मिल जाएंगे, चाहे कोटा में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, यहाँ UPSC जो सबसे टफ परीक्षा माना जाता है वहाँ लोग क्लियर कर रहे हैं। IIT में 10,000 छात्र बिहारी होते हैं हर साल, और वहाँ के बारे में ऐसी टिप्पणी हो कि यहाँ के लोग सक्षम नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? ऐसे लोगों को एक दिन रहने का अधिकार नहीं है। चलिए, तो आप सुन रहे थे संतोष सुमन जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं और अनिश्चितकाल धरना पर बैठे हुए हैं, जो दो-मिसाइल नीति सरकार के द्वारा खत्म किया गया उसके खिलाफ। ऐसे तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।